गाइस मैं हूं आपका गाइड, आज आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किया कैरेंस की MID फीचर्स। किया कैरेंस में MID के जितने भी फीचर्स आते हैं इस वीडियो में हम वो देखने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक आप जरूर देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको काफी अच्छे से समझ आएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ये हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग, यहाँ पे आपको कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट से रिलेटेड, और यहाँ पे आपको MID से रिलेटेड कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं। तो करते हैं अपनी MID को ऑन और दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये कुछ इस टाइप से जल जाता है। अभी इसकी सर्विस ड्यू हो चुकी है इसलिए सर्विसिंग के लिए दिखा रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आप इस वाले बटन से ये चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपको जो चीज़ देखनी हो आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे टायर प्रेशर हो जाएगा, एक बार और क्लिक करेंगे ऑटो स्टॉप दिखा देगा। इसमें आप और चीज़ें देख सकते हैं, यूज़र सेटिंग्स, इसको आप सिलेक्ट अगर आपको करना होगा तो आप उसके लिए इसको करेंगे। ये नीचे करने के लिए हो जाएगा, ये ऊपर। और अगर आपको ड्राइवर असिस्टेंस देखना है कुछ तो आप इसमें ओके करेंगे तो ये खुल जाएगा। इसमें आप और चीज़ें देख सकते हैं। फिर तो एक एक करके इसके फीचर्स देख लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है MID में। तो जब आप अपनी गाड़ी ऑन करेंगे तो सबसे पहले आपको ये ड्राइविंग इंफॉर्मेशन दिखाएगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप ही नीचे देखेंगे तो आपको सेंस रिफ्यूलिंग के लिए आ जाएगा कि आपने जब से गाड़ी रिफ्यूल करवाई है तब से कितना किलोमीटर चल चुकी है और कितना माइलेज आपको मिला है। और यहाँ ऊपर पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि जितना भी गाड़ी में पेट्रोल बचा हुआ है उतने में कितने किलोमीटर चल जाएगी। और नीचे आपको टोटल किलोमीटर दिखा रहा है कि कितना चल चुकी है गाड़ी, और यहाँ पर आपको टेम्परेचर दिखा रहा है। और नीचे आप अगर करेंगे तो इसमें आपको एक्यूमुलेटेड इंफॉर्मेशन भी दिखाएगा कि जब से आपने अपनी गाड़ी को रीसेट किया होगा तब से कितना किलोमीटर चल चुकी है। टाइमिंग भी आपको दिखा देता है और माइलेज भी आपको दिखा देता है। दूसरी चीज़ अगर हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पे आपको यूज़र सेटिंग देखने के लिए मिल जाती है। इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो सबसे ऊपर हम देखते हैं पहले ड्राइविंग असिस्टेंस को, इसमें हम ओके करेंगे तो ये वार्निंग वॉल्यूम दिख जाएगी आपको। इसको आप चाहें तो हाई पे रख सकते हैं, मीडियम रख सकते हैं, लो रख सकते हैं। मेरे को मीडियम सही लगा तो मैंने मीडियम रखा हुआ है। और आप नीचे देखेंगे तो पार्किंग सेफ्टी को ये लेके दिखाएगा। ये आपको पार्किंग के लिए सेंसर जो मिलते हैं उसके लिए है ये। और हम इसमें बैठ जाते हैं तो नीचे आपको क्लस्टर का दिख जाएगा। आप क्लस्टर पे क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी इसमें इंफॉर्मेशन होगी वो सब कुछ मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम कलर थीम में देख लेते हैं। कलर थीम में ओके किया, ये थीम ए है जो मैंने आपके सामने अभी लगा रखी है। ये वाली थीम बी, ये थोड़ी पिंकिश टाइप की है। और नीचे करेंगे तो ये है थीम सी। तो मेरे को थीम ए ज़्यादा सही लगती है तो मैंने इसलिए वही लगा रखी है। आपको जो अच्छा लगे आप वो लगा सकते हैं। बैक करते हैं, या नीचे करेंगे तो आपको वाइपर की लाइट से रिलेटेड डिस्प्ले मिल जाएगी कि जब आपका वाइपर ऑन है तो क्या वो लाइट जला रहा है नहीं जला रहा, तो वो सब आप देख सकते हैं। नीचे करेंगे तो आइस रोड की वार्निंग आ जाएगी कि अगर आपकी गाड़ी कभी बर्फ़ वगैरह जैसी जगह में जाती है तो वहाँ पे वार्न करेगा ये आपको। और नीचे आप देख सकते हैं वेलकम साउंड, जैसे आप गाड़ी के अंदर एंटर होंगे तो आपको एक वेलकम साउंड आती है उसके लिए है ये। और बैक करते हैं तो नीचे आप देखेंगे तो लाइट से रिलेटेड आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, इल्यूमिनेशन का है। इस पर ओके करेंगे ये आपको दिख जाएगा आपका जो डिस्प्ले है इसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैक्स हो गया है और ये एकदम लो हो चुका है, तो आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। ये वन टच टर्न इंडिकेटर, इस पर क्लिक करेंगे तो आप चाहें तो अपने इंडिकेटर को जिस हिसाब से रखना चाहें रख सकते हैं। 7 फ्लैश 5 फ्लैश 3 फ्लैश, अभी 3 फ्लैशेज में सेट है तो मैं इसको इतना ही रहने देता हूँ। और आपको यहाँ पे मिल जाती है हेडलैम्प डिले देखने के लिए, तो आप इसको ऑन रखना चाहें रख सकते हैं या तो ऑफ कर दीजिए। नीचे आपको डोर से रिलेटेड सेटिंग मिल जाएगी, आप इसको चाहें तो ऑटो लॉक कर सकते हैं, इनेबल करना है आपको ऑन स्पीड में या नहीं करना है तो वो सब इंफॉर्मेशन है। ऑटो अनलॉक के लिए भी सेम फीचर्स आपको मिल जाते हैं। नीचे आएंगे तो कन्वीनियंस का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सर्विस इंटरवल के बारे में आपको पता चल जाएगा इसमें कि आपको सर्विस कब लगा करवानी है, आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये सब वही सब है, तो बैक करते हैं। नीचे आपको यूनिट देखने के लिए मिल जाएगी। टेम्परेचर यूनिट आप सेल्सियस में रखना चाहते हैं या फ़ारेनहाइट में रखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं।
पीछे यहाँ फ्यूल इकोनॉमी की यूनिट आपको मिल जाएगी किलोमीटर पर लीटर में या लीटर पर 100 किलोमीटर आप देख सकते हैं। और नीचे करेंगे तो आपको टायर प्रेशर की यूनिट मिल जाएगी, आपको PSI में रखना है, KPA में रखना है या बार में रखना है, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और यहाँ पे हम बैक करते हैं तो रीसेट अगर आप करते हैं तो यहाँ पे जो कुछ है वो सब कुछ रीसेट हो जाएगा, तो मेरे को रीसेट नहीं करना है। यूज़र सेटिंग में आपको इतने ऑप्शन मिलते हैं, आप अगर ये देखिए अगर आप इसको एक बार क्लिक करेंगे तो ये कुछ और खुल जाएगा। ये देखिए टायर प्रेशर, ये टायर प्रेशर जब आपकी गाड़ी चलेगी तो टायर तो चारों टायर का आपको प्रेशर दिखा देगा। अभी गाड़ी खड़ी है, काफ़ी देर से चली नहीं है, इस वजह से ये आपको ऐसे दिखा रहा है। आप एक बार इस पर और क्लिक करेंगे इस तरह से तो ये चेंज हो जाएगा, आपको ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन दिखाने लग जाएगा। ये देखिए कि आपकी गाड़ी कितना चल चुकी है जब से आपने गाड़ी को स्टार्ट किया है, तब से वो सब दिखा देगा, कितना माइलेज दिया है, कितना टाइम हो गया आपको चलते चलते वगैरह वगैरह, सब कुछ इसमें आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको पेट्रोल देखने के लिए मिल जाता है कि आपका कितना पेट्रोल है, और यहाँ पे आपको इंजन का टेम्परेचर देखने के लिए मिल जाएगा। तो MID से रिलेटेड जितने ऑप्शन इस गाड़ी में हैं वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है या आपका कोई ओपिनियन है तो वो हमें आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।